हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वंस अगेन गाइस फॉर लविंग मी एंड सपोर्टिंग। आज के ब्लॉग में यार मैं अपने बाइक का जो ऑफ रोड करता हूँ तो उसके बाद यार उसको क्लीन कैसे करना है, मतलब यार चैन में बहुत ज्यादा डस्ट आ जाता है, मड लग जाता है, जिसके कारण यार चैन का जो है ना लाइफ उसका थोड़ा सा कम हो जाता है, जिसपे यार चैन स्पॉकेट वगैरह जो आपका नॉर्मली अगर 20,000-25,000 किलोमीटर चलता है तो वो बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा। तो उसका भी यार रीज़न है, ये डिपेंड करता है आपकी गाड़ी के कंडीशन पे। बहुत से लोग यार गाड़ी से ऑफ रोड नहीं करते हैं लेकिन उन लोग का बाइक का हाल देखोगे तो यार तरस आएगा गाड़ी का हाल देख के। लेकिन अगर आप मेरे ऑफ रोड प्लेलिस्ट में जाओगे मेरे चैनल का तो जब आप देखोगे तो आपको इतना सारा ऑफ रोड का वीडियो मिलेगा, वो भी एक्सट्रीम लेवल का, मतलब आप देख के सोचोगे यार कि गाड़ी कैसे सक्सेस कर रहा है। लेकिन फिर भी यार कोई भी गाड़ी हो जाए मेरे बुलेट से अगर चैलेंज लगा लेगा तो यार सीसी, तो मेरे सीसी में जो मेरे से चैलेंज लगाएगा उसको तो यार हम जीतने नहीं दे सकते, क्योंकि यार मेरा गाड़ी फुल ऑन कंडीशन रहता है। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आफ्टर ऑफ रोड मेरा गाड़ी का क्या हाल है। अभी लगभग एक महीने से कंटिन्यूसली यार ऑफ रोड हो रहा है, तो आज गाड़ी को हम वॉश करने वाले हैं तो वो मैं आपको क्लीन करके सब कुछ बढ़िया से दिखाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि आप अपने घर पे आप कैसे क्लीन कर सकते हैं। क्योंकि यार शोरूम जाके हर दिन गाड़ी को वॉश करवाना और चैन वॉश करवाना यार डेली पॉसिबल नहीं है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होता है। लेकिन घर पे हाँ पॉसिबल है कि जब भी आपको टाइम मिलता है तो आप कर सकते हो। तो आज हम अपने घर पे अपना गाड़ी का यार चैन क्लीन करने वाले हैं और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि इसका क्या प्रोसेस है क्लीनिंग का। तो गाइज वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको सारा इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिल सके। तो गाइज ये है यार मेरा बुलेट 350X जो कि BS6 मॉडल है, इसमें बैंड पाइप भी चेंज है, साइलेंसर भी चेंज है। तो यार कंटिन्यूसली यार एक महीना से इसमें ऑफ रोड हो रहा है, तो ऑफ रोड करने के बाद यार जबरदस्त वाला पूरा डस्ट बैठा हुआ है चैन वगैरह में, यार कितना ज़्यादा गंदा है आप देख सकते हो, पूरा यार बालू भरा पड़ा हुआ है चैन में। सॉकर को आप देखो यार, सॉकर में जबरदस्त वाला गंदा है। ये आप यार इधर इंजन देख लो, इंजन में भी पूरा डस्ट है यार। आगे आप देखो अलॉय व्हील्स, सॉकर वगैरह आप देख रहे हो पूरा गंदा है यार। ये सब जो जगह है ना, ये सब जगह लुब्रिकेशन बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पे ये ब्रेक में, यहाँ पर भी यार लुब्रिकेशन जरूरी है। ये जो आप ब्रेक शू देख रहे हो यहाँ पर भी लुब्रिकेशन जरूरी है, क्योंकि यार अगर आप ऑफ रोड करते हो और ऑफ रोड करने के बाद यार अगर आप चैन को क्लीन नहीं करते हो तो यार आपका चैन स्पॉकेट का लाइफ बहुत कम हो जाएगा, और बहुत कम होगा तो फिर यार बहुत प्रॉब्लम होगा आपको। हर ऑफ रोड के बाद अगर आप यार शोरूम में जाके चैन को क्लीन करवाते हो तो यार 300-400 रुपये ले लेगा, क्योंकि यार सही नहीं है, उतना रुपया लगाने का जरूरत नहीं है। आज यार मैं घर में ही करने वाला हूँ चैन क्लीन अपना, और पूरा गाड़ी को वॉश करने वाला हूँ, और कहाँ कहाँ आपको ऑफ रोड के बाद लुब्रिकेशन करना जरूरी है वो मैं आपको बता भी दूंगा और दिखा भी दूंगा। गाइस बिना लेट किए यार सबसे पहले बाइक को अब हम लोग वॉश करते हैं, वॉश करने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि चैन को अपना कैसे क्लीन करना है। यार वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को लास्ट तक देखना। तो गाइस ये जो आप देख रहे हो यार ये है किरासन तेल, जो कि यार सब लोग जानते हैं किरासन तेल क्या होता है। तो पहले यार आपको अपने घर में किरासन तेल रखना होगा, और किरासन तेल की जगह पे आप डीजल भी रख सकते हो, पेट्रोल नहीं, या तो यार डीजल या तो फिर किरासन तेल। जैसा कि आप ये देख रहे हो ये किरासन तेल है, मेरे पास डीजल भी है लेकिन मेरे पास किरासन तेल भी था तो पहले किरासन तेल को निकाल लिए। तो किरासन तेल और डीजल दोनों में से आप कुछ भी यूज कर सकते हो। एक यार ये ब्रश है जिससे गेट वगैरह पेंट होता है या फिर कुछ हम लोग साफ भी करते हैं, ये जो ब्रश आप देख रहे हो यार 38 mm का ये ब्रश है। तो यार इससे पहले जहां जहां मोबिल आपको दिख रहा है आपके गाड़ी में, जैसे कि यार चैन में तो जबरदस्त वाला पूरा मड रहा था, डस्ट रहा था, तो पहले आप इसको इस ब्रश में लगा के यार चैन को पूरा क्लीन कर लेना। वो कैसे करना है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, क्योंकि यार अगर आप शैम्पू से अपने गाड़ी को साफ करते हो तो सिर्फ डस्ट जरूर साफ होगा, लेकिन जितना जिस जगह मोबिल वगैरह का लुब्रिकेशन रहता है वो सारे जगह पर डस्ट बढ़िया से नहीं निकल पाए। उसके लिए ये चाहिए कि आपके पास किरासन तेल होना चाहिए और ब्रश होना चाहिए। और अभी यार मेरा चैन में कितना डस्ट है वो ऑलरेडी हम आपको दिखा चुके हैं, जैसे ही मैं इसको साफ करूंगा उसका पूरा प्रोसेस दिखाता हूँ और कहाँ कहाँ पे साफ करना है और उसके बाद कहाँ कहाँ पे लुब्रिकेशन करना है वो मैं सब कुछ दिखाऊंगा। मैं अपने पास मोबिल भी रखा हुआ हूँ और लुब्रिकेशन का और भी चीज़ है मेरे पास, वो सब कुछ है, वो मैं आपको स्टेप बाई स्टेप दिखाऊंगा। यार चैन मेरा बहुत ही ज़्यादा गंदा है, और जैसा कि देख रहे हो हम किरासन तेल ले लेंगे, जितना भी डस्ट रहेगा वो सारा निकल जाएगा, क्योंकि यार गाड़ी का सबसे मेजर पार्ट है यार चैन। इसलिए चैन लुब्रिकेशन जो लोग ऑफ रोड कर रहे हैं यार उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि ये तो यार कंपलसरी है कि कभी भी आप ऑफ रोड करो उसके बाद आपको चैन क्लीन करना बहुत ही ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि चैन क्लीन नहीं करोगे तो एक तो गाड़ी से यार साउंड हमेशा निकलेगा, किप 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 का साउंड करेगा, और जैसे ही आप साफ कर लोगे तो वो सारा साउंड भी खत्म हो जाएगा और आपका चैन पे कभी असर भी नहीं पड़ेगा और बहुत अच्छा आपका चैन स्पॉकेट का लाइफ बना हुआ रहेगा। तो कभी भी चैन को साफ करोगे तो चारों साइड से करना, मतलब कि यार जहाँ पे बैरिंग लगा हुआ रहता है तो बैक चक्का का और आगे चक्का का जिस जगह पे बैरिंग लगा हुआ था तो वो भी जगह से यार डस्ट जरूर निकालना। ये जो आप गियर का देख रहे हो तो गियर का यार रोड के पास जरूर से साफ करना, क्योंकि यहाँ पर भी यार ऑफ रोड में पूरा डस्ट चला जाता है जिससे यार गियर कभी कभी सही से लेता नहीं है।
और अभी तो यार जितना भी चैन से डस्ट था ये आप देख सकते हो यार, अब कुछ नहीं बचा है, सारा डस्ट पूरा क्लीन हो गया है। और अब गाड़ी को पूरा अच्छे से वॉश करने के बाद मैं आपको पूरा गाड़ी का दिखाता हूँ क्लीनिंग एक बार जबरदस्त वाला। ये देखो यार नीचे पानी आप देख रहे होगे सारा, ये सब देख सकते हो, चैन का पूरा निकला हुआ डस्ट है जो कि यार बहुत ही ज़्यादा चैन गंदा था। इसलिए यार कभी भी आप ऑफ रोड करते हो तो हमेशा ये ध्यान रखना कि आफ्टर ऑफ रोड यार ये इतना चीज़ तो आपको ज़रूर करना है अपने चैन और अपना गाड़ी का हेल्थ बचाने के लिए। तो गाइज फाइनली यार गाड़ी यार फुल क्लीन हो चुका है जैसा कि आप देख रहे हो यार। अब मेरा बुलेट यार पूरा साइन मार रहा है। तो गाइज ये देखो अब आप चैन को देख सकते हो यार प्रॉपरली, यार कितना ज़्यादा साफ दिख रहा है, पूरा चैन को आप देख लो तो यार कहीं भी डस्ट नहीं है। तो कभी भी गाइज ऑफ रोड अगर आप करते हो तो यार आफ्टर ऑफ रोड ये चीज़ ज़रूर करना, गाड़ी पूरा धो या मत धो लेकिन ये चीज़ को यार जरूर साफ करना, जैसा कि अभी आप देख रहे हो हल्का सा भी अभी इसमें डस्ट नहीं बचा हुआ है, तो यार ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी यार हम साफ कर चुके हैं, अब यार लुब्रिकेशन करना है। तो लुब्रिकेशन यार चैन में करना जरूर से, पिछला ब्रेक शू में ये आप देख रहे हो आगे फ्रंट टायर में जहाँ पे बैरिंग रहता है यहाँ पर भी आपको मोबिल डालना है, गियर में भी यार आपको यहाँ पे तेल डालना है। इसके अंदर जो लुब्रिकेशन है यार ये है मेरा कि हम न्यू मोबिल खरीदे थे तो वही है कि अपने डब्बा में भर के रख लिए हैं तो उसको यार इसमें डलवा लिए हैं और इससे ही हम डालते हैं। तो ये यार बहुत से लोग यार जला हुआ मोबिल भी यूज़ करते हैं कि जो गाड़ी से आपका सर्विसिंग में मोबिल चेंज होता है उसको भी यूज़ करते हैं, लेकिन यार मेरे पास ये न्यू मोबिल है क्योंकि यार जितना आप कम जला हुआ मोबिल डालोगे उतना यार आपका गाड़ी का चैन का साउंड बहुत ही कम रहेगा, जितना ही कम जला हुआ मोबिल का रहेगा उतना बढ़िया आपका चैन स्पॉकेट वर्क करेगा और गाड़ी से यार बिल्कुल ही एकदम जो साउंड होता है चैन स्पॉकेट का बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपके पास फ्रेश मोबिल है तो बहुत अच्छा बात है, और अगर जिसके पास नहीं है यार उसके पास तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी डलवा लो बट चैन को सूखा मत रखना कभी भी, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान देना क्योंकि यार सब लोगों से पॉसिबल नहीं है कि शोरूम में जाके चैन हमेशा साफ करवाएं क्योंकि यार उसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी लग जाता है और टाइम तो लगता ही है, टाइम तो यार हर चीज़ में लगता है इसमें भी लगता है, लेकिन यार इसमें कम से कम पैसा का बचत है। किरासन तेल या फिर आप डीजल कुछ भी ले लो और उससे आप प्रॉपर गाड़ी को साफ कर सकते हो और उसके बाद लुब्रिकेशन आप कर लो, इससे यार आपका चैन स्पॉकेट का लाइफ भी बना हुआ रहेगा और आपका गाड़ी का परफॉर्मेंस भी जबरदस्त रहेगा। इसलिए ये डिपेंड नहीं करता है कि आपका गाड़ी कौन सा रास्ता में चलता है, आप ऑफ रोड करते हो नहीं करते हो, गाड़ी को कितना मेंटेन करके रखो यार ये उस पर डिपेंड करता है। तो गाइस आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद आया, तो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना कि ये वीडियो आपके लिए कितना ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर लविंग मी एंड सपोर्टिंग मी, बाय बाय।